एक बार फिर पीताम्बरा परिवार में आचार्य महेश शर्मा सभी साधकों का हार्दिक स्वागत करता है। साधकों, मैं आशा करता हूँ कि आप श्री हरि विष्णु की कृपा से कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, अभी अभी मैंने एक वीडियो डाला है, तो उस वीडियो में मैं आपसे सभी से यह निवेदन करता हूँ कि जितने भी साधक है या ईश्वर भक्त या ईश्वर प्रायण व्यक्ति हैं, सत्पुरुष हैं, वो जो उसका अनुकरण करें, इसी तरह अनुकरण करें, अपने हृदय में वास करते हुए अनुकरण करें। और अब ये वीडियो मैं डालने जा रहा हूँ, ये डालने जा रहा हूँ गुरु भक्ति, गुरु दीक्षा के ऊपर। साधकों, अभी अभी कई मैसेज मेरे पास आए कि गुरु जी, गुरु दीक्षा का क्या नियम है, तो मैं आपको बता ही देता हूँ। साधकों, देखो साधकों, गुरु दीक्षा का कोई भी शुल्क नहीं है, गुरु दीक्षा निःशुल्क होती है, ये मान लीजिए आप। अब आपको कोई भी साधक मुझसे यार गुरु दीक्षा लेना चाहता है, तो जो मैं बता रहा हूँ उन नियमों का फॉलो करें। आप किसी अपने यहाँ से जो मुझसे दीक्षा लेना चाहता है वो साधक, सात लोगों से कुछ चंदा या अनुदान इकट्ठा करें, मांग कर, और उनसे ये नहीं कहना है, जिनसे तुम पैसे अनुदान मांगोगे उनसे ये नहीं कहना है कि मैं जो दीक्षा के लिए अनुदान मांग रहा हूँ, ये नहीं बोलना है आपको। केवल ये बोलना है कि हमारे गुरुजी के आश्रम में कुछ धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है, उसके लिए चंदा, ये चंदा नहीं, अनुदान दे दीजिए। इस तरह सात लोगों से अनुदान मांगना है आपको। अब ये मांगने की थ्योरी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा वीडियो में, लेकिन पहले ये चीज़ें सुन लें। उस अनुदान को लेने के बाद में अपने सामर्थ्य अनुसार 200, 250, 500, 1000 जितने भी तुम्हारी सामर्थ्य है उसमें उन पैसों में उन पैसों को मिलाएं और अपने घर पर सब्जी पूड़ी बनवाएं और कुछ मिठाई उसमें रखें, जैसे गुड़ हो या और कोई मिठाई हो, और किसी मंदिर पर जाकर साधु संतों को खिला दें। किसी मंदिर पर जाकर साधु संतों को उस बनी हुई उस खाने को उनको खिला दीजिए, और अपने हाथ से खाना खिला के उन्हें पानी पिला के अपने हाथ से, तब भगवान श्री कृष्ण से कहिए कि हे प्रभु, और महावतार बाबा से कहिए कि हे ब्रह्म, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, मुझे अपनी शरण में लीजिए। इतना करने के बाद साधक मेरे पास नाम पता और फोटो अपना भेज दे, तो मैं उसे दीक्षा दे दूंगा, ये कह के बता के कि हमने ये जो कार्य कर दिया है तो वो दीक्षा का पात्र हो जाता है, मैं उसे दीक्षा दे दूंगा। इसमें दीक्षा में कुछ नहीं चाहिए। यह साधक की दीक्षा वाली बात हो गई, यानी मुझसे, यानी बाबा जी से, उसी कृष्ण से जुड़ने वाली बात हो गई। अब आती है कोई साधना वाली बात, या तो कोई साधक साधना लेता है भाई, उसका अनुदान तो साधना के अनुसार ही फिक्स किया जाता है, वो तभी बताया जाएगा। दीक्षा निःशुल्क है, अगर साधना लेता है तो साधना का अनुदान फिर अलग है। अब मैं यह बताता हूँ आपको उस रहस्य को जो आपने अनुदान मांगा था। साधकों, यदि आप कोई भी कितना भी बड़ा घमंडी हो, किसी के सामने हाथ फैलाता है तो उसका घमंड टूट जाता है, और वही दीक्षा का पात्र होता है जिसमें घमंड नहीं होता है, जिसमें अहंकार नहीं होता है। इसका मेन पर्पज ये है, नंबर एक, आप किसी के सामने हाथ फैलाओगे, भीख मांगोगे, तो आपका घमंड टूट जाएगा, चाहे आप कितने भी करोड़पति पैसे वाले हों, लेकिन घमंड टूट गया कि आपने भीख मांगी है। जो आपने खाना बनाया है, खाना आप उनको खिला रहे हो, तो उसमें तुम्हारे पाप कुछ क्षय हो जाएंगे। जिस साधु संतों को भोजन करा रहे हो उससे तुम्हारे कुछ पाप क्षय हो जाएंगे, ये तुम्हारे लिए दोनों ही प्रक्रिया हितकर है तुम्हारे लिए। उधर आपका घमंड भी कम हुआ, इधर आपके खाना खिलाने कुछ साधु संतों को खाना खिलाने से आपके पाप भी क्षय हुए। तो साधकों को ये प्रक्रिया अवश्य कर लें, और उसके बाद में जो भी साधना चाहते हो मैं आप साधना करते रहिए। साधकों, मैं एक बात और यहाँ आपको बताना चाहता हूँ,
कि श्री कृष्ण भगवान जो है अर्जुन के सारथी क्यों बने, ये एक सोचने वाली बात है। अपनी सारी सेना दे दी कौरवों को और उनके सारथी बन गए, ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। तो साधकों उस रहस्य को आप, मैं आज को बताता हूँ, रहस्य को सुनिए। ये हमारा शरीर क्या है, एक रथ है, शरीर रूपी रथ है ये हमारा शरीर। मस्तिष्क हमारा सारथी है, इंद्रियां हमारी लगाम है, इस रथ की इंद्रियां लगाम है, और हमारी इच्छा है ये घोड़े हैं। ये शरीर रूपी रथ की ये एक संरचना है। अब इच्छाओं पर लगाम लगाने का कौन है, इंद्रियां हैं। इंद्रियों पर कौन लगाम लगाएगा, यानी लगाम कौन खींचता है, सारथी यानी मस्तिष्क। अगर हमारा मस्तिष्क जो है स्वस्थ होगा, बलवान होगा, तो इंद्रिय रूपी इंद्रियों रूपी लगाम को खींचते हुए घोड़ों को सही दिशा की तरफ ले जाएगा। और ये मस्तिष्क ही हमारा यानी हमारा सारथी बेकार है तो हमें गड्ढे में डाल देगा, हमें मरवा देगा। हमें ये मैं तुम्हें प्रकरण शॉर्ट में समझा दिया है साधकों। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान जो है अर्जुन के सारथी बने थे, ये बुद्धिमान सारथी, यानी इस बुद्धिमान सारथी होने से विजय हासिल हो जाती है। इसी तरह हमारा ये शरीर एक रथ है और हमारा सारथी बुद्धिमान यानी मस्तिष्क हमारा बुद्धिमान हो, ये अति आवश्यक है। इसीलिए साधकों मैं फिर आपसे कहता हूँ, इसको ध्यान योग के द्वारा पावरफुल बनाइए, भक्ति योग के द्वारा पावरफुल बनाइए इस मस्तिष्क को, यानी सारथी को पावरफुल बनाइए। तो साधकों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।